नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट एब्सेस में क्या अंतर है। मेरा नाम डॉक्टर निहारिका राजन गराज है और मैं स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में कैंसर सर्जन हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ब्रेस्ट कैंसर और गाइनी कैंसर। सो ब्रेस्ट एब्सेस क्या होता है? जब भी ब्रेस्ट में कोई इन्फेक्शन होता है और अंदर पस इकट्ठा हो जाता है, उसको ब्रेस्ट एब्सेस बोलते हैं। ये क्यों होता है? अगर आपको ब्रेस्ट का किसी भी तरह से इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि ब्रेस्ट पे चोट लगी या कोई इंजरी हुआ और फिर इन्फेक्शन हो रहा है, या कई बार वो लेडीज़ जो बच्चे को दूध पिलाती हैं उनको अगर बच्चा काटे या उनके मुंह से कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसी सिचुएशंस में अगर वो इन्फेक्शन डक्ट्स के थ्रू अंदर जाता है और अंदर फैलता है और पस बनाता है, तो ब्रेस्ट एब्सेस बन सकता है। ब्रेस्ट एब्सेस आपको यूजुअली जब होता है तो आपको कुछ गांठ जैसा फीलिंग कभी कभी हो सकता है, बहुत पेन होता है, ऐसे जिसको थ्रॉबिंग पेन बोलते हैं, क्योंकि अंदर पस इकट्ठा हो रहा है जो कि बाहर नहीं आ पा रहा है। आपको यूजुअली काफ़ी फीवर रहेगा, हो सकता है थोड़ा सर्दी भी रहे फीवर के साथ, और उसके अलावा चमड़ी लाल भी हो सकती है। तो ये यूजुअली सब लक्षण रहेंगे अगर आपको ब्रेस्ट एब्सेस है। पर अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो जो आपको गांठ यूजुअली फील होगी वो यूजुअली पेनलेस रहती है। ब्रेस्ट कैंसर में जो लंप है वो पेनलेस रहता है, उसमें दर्द नहीं होता, आपको उसके साथ बुखार नहीं होगा, कोई इंजरी का हिस्ट्री नहीं रहेगा। तो ये अंतर रहेगा ब्रेस्ट एब्सेस से। सो अगर ब्रेस्ट कैंसर है उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, हम उसके स्कैन्स करेंगे, बायोप्सी करेंगे और फिर सर्जरी या कीमोथेरेपी या जो भी ट्रीटमेंट होगा प्लान करेंगे। पर अगर ब्रेस्ट एब्सेस है यानी कि ब्रेस्ट का इन्फेक्शन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एक अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि कितना ज़्यादा अंदर है, कितना फैला हुआ है, और उसके बाद दो तरह से, या तो हम उसको सुई डालकर कई बार निकाल पाते हैं, तो सुई मोटी सुई डालकर सारा पस निकालते हैं, नहीं तो हम एक छोटा सा चीरा देकर उसको निकालना पड़ता है जिसको इंसिजन एंड ड्रेनेज बोलते हैं। इसके द्वारा हम सारा पस बाहर निकालते हैं और पेशेंट को एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन क्लियर हो सके और अंदर का जो घाव है वो हील हो सके। सो जैसा कि आप समझे होंगे, ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट एब्सेस दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, जिनका ट्रीटमेंट भी बहुत अलग है और जिनका प्रेजेंटेशन भी बहुत अलग है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए या नीचे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।